रफ्तार और वाहन चलाते हुए नींद की झपकी हमेशा जान ले लेती है। अगर इन दोनों पर काबू पा लिया जाता है तो हादसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन मथुरा के नोहझील थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। रविवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे के बाजनाकट के समीप एक तेज रफ्तार बस आगे खड़ी गिट्टी से भरे ट्रक में टकरा गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर ट्रक में घुस गई थी। उस समय बस में लगभग 3 दर्जन से अधिक सवारी मौजूद थी। जिस समय बस टकराई तो हाईवे पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया, जहां 5 लोगों की हालत नाजुक बनी को नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया जहां 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये आपका लोकेश नाम है। लोकेश क्या करते हो यहाँ पे? टोल पे ड्यूटी करता हूँ। तो क्या हादसा हुआ है यहाँ? यहाँ हादसा हुआ था, लगभग 4-4:30 बजे की बात है। एकदम हम जैसे ड्यूटी कर रहे थे अपने टोल पे, एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़ी से जी। हम और हमारे साथी आए थे यहाँ पे, तो आने के बाद देखा यहाँ तो एक डम्फर में बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस ठुकी थी खड़े डम्फर में पीछे से जी। और उसके बाद फिर हमने वो निकाले थे शीशा फोड़ के जी। निकालने के बाद फिर आधा घंटा 15-20 मिनट के करीब पुलिस आई थी। लगभग कितने लोग घायल रहे होंगे? 15-20 लोग घायल थे। टोटल बस में कितने लोग होंगे? टोटल बस में थे 35-40 आदमी थे। 15-20 घायल हैं? हाँ जी। घायलों को कहाँ भेज दिया गया है? कैलाश हॉस्पिटल जेवर। उसमें कोई कैजुअल्टी हुई है? किसी की मौत भी हुई है? एक्सीडेंट नहीं 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 मौत किसी की नहीं, घायल हैं सब। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये बस? बस जा रही थी नोएडा, आगरा से नोएडा। आगरा से नोएडा? हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ है क्या होगा? ये जनपद मथुरा में थाना नौझील के अंतर्गत बाजनाकट है, उसी के बगल में एक ट्रक की टक्कर में और जो बस की टक्कर हुई है, इसमें लगभग 18-20 लोग घायल हुए हैं। 6 की हालत गंभीर है, जिनको जेवर के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष को कुछ प्राइवेट अस्पताल में और कुछ यहाँ का सरकारी अस्पताल नौझील का है, वहाँ पर भर्ती कराया गया है। अब ये घटना किन कारणों से हुई है, कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यहाँ से सारे जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्री जो शेष बचे थे जो उनको बसों में बैठा दिया गया है, दूसरी जगह चले गए हैं, और इस पर अभियोग पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बस कहाँ से कहाँ आ रही थी, कहाँ के लिए जा रही थी? ये आजमगढ़ से चली थी और आनंद विहार दिल्ली जा रही थी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।